हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बेहद तेजी से विकास कर रहा है और किस तरह बहुत जल्द एआई हम सब इंसानों के जीवन का एक खास अंग बनने वाला है। एआई बहुत जल्द कई कार्य क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले लेगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये दिन ब दिन और भी ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बहुत जल्द एआई उपयुक्त मशीन और रोबोट इतने ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाएंगे, जिनके आगे इंसानों की इंटेलिजेंसी फीकी पड़ने लगेगी। फ्यूचर की मशीन और रोबोट्स के लिए इंसान किसी तुच्छ जीव के अलावा और कुछ नहीं होगा। 21वीं सदी के विजनरी में से एक एलोन मस्क भविष्य में इंसानों पर आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए न्यूरोलिंक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मानव दिमाग में ब्रेन मशीन इंटरफेस नामक एआई युक्त प्रोसेसर को डालना है, जिसकी मदद से मानव दिमाग की एबिलिटी को कई ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट ने इंसान को एक ऐसे भविष्य की आवाज दिलाई है, जहां इंसान भविष्य की आधुनिक मशीन को टक्कर दे सकेगा और खुद को एआई युग में पिछड़ा महसूस नहीं करेगा। इस तरह के फ्यूचर की कल्पना हम अभी तक हमारे मूवीज में कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये परिकल्पना जब सच साबित होगी तो ये टाइम वाकई बेहद इंटरेस्टिंग होगा। ये न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी इंसानों को एक साइबोर्ग में बदल देगा। साइबोर्ग यानी आधा इंसान और आधा मशीन। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंसानों के दिमाग में बेहद छोटी माइक्रोप्रोसेसिंग चिप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें अनेकों इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग से ही अनेकों मशीनों को कंट्रोल कर सकेंगे। हर एक इंसान के दिमाग में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होगा, जिसकी मदद से इंसान बिना किसी चीज को छुए मशीन को कंट्रोल कर सकेगा। फिर चाहे वो टाइपिंग करना हो या किसी तरह का म्यूजिक कंपोज करना, हम इंसान केवल दिमाग में ही सोचेंगे और वो काम हो जाएगा। यानी हम केवल दिमाग की शक्ति से अपने आसपास की चीजों पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे, साथ ही हम कई तरह के विकलांगता और बीमारियों से भी छुटकारा पा लेंगे। हमारा दिमाग किसी रोग की चपेट में आने से पहले अलर्ट हो जाएगा और शरीर में आई छोटी से छोटी खराबी को तुरंत ठीक करने लगेगा। आज के युग में हमें हमारी शरीर की अंदरूनिक जानकारियों के लिए अनेकों मेडिकल टेस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना मेडिकल टेस्ट के हम हमारी बीमारियों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन फ्यूचर में हमारा दिमाग हर टाइम हमारी बॉडी को स्कैन करता रहेगा और उससे जुड़ी जानकारी हमें मिलती रहेगी। किसी अप्रिय बुरी घटना की यादों को डिलीट करना हो या किसी अच्छे अनुभव को हमेशा के लिए संजो कर रखना हो, तो ये सब काम इंसानों के लिए बेहद आसान होगा। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस तरह की मशीन्स विकसित मॉडल्स की सहायता से इंसान अपने विचारों को और भावनाओं को आदान प्रदान में ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसमिट कर पाएगा। किसी भी मशीन या कंप्यूटर को अपने दिमाग से निर्देश देना और दूर दराज स्थान से अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना, किसी को दिमाग से संदेश ट्रांसफर करना या अपने ही दिमाग को डाउनलोड कर उनमें मौजूद सारी यादों को और अनुभवों को सेव कर लेना इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही नहीं, कोई दूसरा इंसान भी किसी इंसान की दिमाग की डाउनलोडिंग जानकारी को एक्सेस कर सकेगा और उस इंसान के सारे जीवन के अनुभवों और अन्य जानकारियों को प्राप्त कर पाएगा। ये बात बेहद रोमांचक तो है ही, साथ ही उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज के खतरे भी बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी से कानूनी पहलुओं पर भी काफी बहस जारी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के असल रूप में आने के बाद मानव दुनिया का सबसे क्रिएटिव जीव बन जाएगा, क्योंकि तब इंसानों को किसी चीज को जानने और समझने के लिए वर्तमान युग की तरह घंटों और सालों उसके बारे में पढ़ाई करने और रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी जितनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज हमें हमारे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल और कॉलेजेस में बिताना पड़ता है, उतनी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना महज कुछ घंटों का खेल होगा। और इस तरह इंसान भविष्य के उन महान मानवों यानी एआई रोबोट्स के समक्ष खड़ा हो पाएगा और शायद इंसानों के वजूद को बचाए रखने में आसानी होगी। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती चरणों में है, लेकिन ये तेजी से विकसित हो रही है और
दिन ब दिन वास्तविक के और भी करीब पहुंच रही है। वर्तमान काल में इस तकनीक को इस्तेमाल विकलांग और पैरालाइज लोगों को दुनिया के अन्य लोगों से कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। यदि इस तकनीक का पूरी तरह से विकास हो पाया तो हम फ्यूचर में ऐसे अंगों का विकास कर पाएंगे जिन्हें हमारे नर्वस सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा और हमारे दिमाग में मौजूद कंप्यूटर इन अंगों को सिग्नल भेज सकेंगी और रिसीव भी कर पाएंगी। हालांकि ये तय है कि अकेले न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी और एलोन मस्क इन सारी संभावनाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई तो होगा जो इसको पूर्ण रूप दे पाएगा, क्योंकि यही इंसानों की प्रगति है। जैसे ही इंसानों को एक टेक्नोलॉजी मिलती है वो उसे अनेकों नई संभावनाओं को पैदा कर देता है और उस टेक्नोलॉजी में दिन दुगनी और रात चौगुनी से विकास होने लगता है। यही हमने टेलीफोन, मोबाइल और मेडिकल साइंस में करके दिखाया है और यही न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी होगा, क्योंकि संभावनाएं हकीकत को जन्म देती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।